पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए ये तो सर्वविदित है, माननीय लालू जी ने बिहार के खजाने को अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखा और अपने परिवार को बनाया, परिवारवाद की उन्होंने राजनीति की, अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बनाया, तेज प्रताप को मंत्री बनाए और अभी वर्तमान में उनकी बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं वो सिंगापुर में रहती हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मोतिहारी पहुंची बीजेपी कोटे से राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने लालू यादव पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने बिहार के खजाने को अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखा है। लालू यादव को जब भी मौका मिला है उन्होंने बस अपने परिवार को बनाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया तो कभी अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, कभी तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया। लालू यादव को जब भी मौका मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को ही बनाया है। इसी के साथ साथ रोहिणी आचार्य पर जबरदस्त निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं धर्मशिला गुप्ता। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य यहाँ रहती नहीं है, वो सिंगापुर रहती है, उन्हें बिहार के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बिहार की जनता की समस्याओं से वो रूबरू नहीं है, नहीं उन्हें यहाँ का इतिहास पता है, नहीं भूगोल पता है। लालू यादव ने अपनी बेटी से किडनी लिया तब जाके उसे टिकट दिया है, बड़ा बयान देती हुई नजर आ रही है धर्मशिला गुप्ता और क्या कहती हुई नजर आ रही है, पहले आपको वो सुने। मैडम, रोहिणी आचार्य लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोल रही हैं, रूबी जी को लेकर बोल रही हैं कि रूबी जी अज्ञानी हैं, उनको जानकारी का अभाव है। क्या कहेंगी? लालू प्रसाद यादव जी लगातार छपरा में कैंप कर रहे हैं, लगता नहीं कि परिवार को बचाने के लिए लगातार पूरा लालू परिवार लगा है और रोहिणी आचार्य बड़े बड़े नेताओं पर टिप्पणी कर रही है, कहाँ तक उचित है? देखिए ये तो सर्वविदित है, माननीय लालू जी ने बिहार के खजाने को अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखा और अपने परिवार को बनाया, परिवारवाद की उन्होंने राजनीति की, अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बनाया, तेज प्रताप को मंत्री बनाए और अभी वर्तमान में उनकी बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं वो सिंगापुर में रहती हैं और उनको बिहार की संस्कृति और यहाँ के जो मतदाता हैं, जो देशतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं, उनके साथ उनका कोई तालमेल पहचान भी नहीं यहाँ की जनता, क्योंकि वो सिंगापुर में रही है और बिहार की संस्कृति हो, बिहार में बात हो, बिहार या बिहार में विकास की बात है, उससे वो थोड़ी गंभीर है और परिवारवाद के तहत उनके पिताजी माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय राबड़ी जी, जो उन्होंने टिकट उनको दिया है और माननीय रोहिणी जी हमारे स्थापित नेता हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र में विकास की काम किए हैं, इसलिए रोहिणी आचार्य के साथ कोई तुलना ही नहीं है। आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य जी को इतिहास, भूगोल, नागरिक की जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक ज्ञान नहीं है, वो सिंगापुर में रही है, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के चुनाव के बारे में, यहाँ के मतदाता बंधु की समस्या के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में उनको पता नहीं है, वो बिहार में रहते ही नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बोल रही हैं, रूबी जी को लेकर बोल रही हैं कि रूबी जी अज्ञानी हैं, उनको जानकारी का अभाव है। क्या कहेंगी? लालू प्रसाद यादव जी लगातार छपरा में कैंप कर रहे हैं, लगता नहीं है कि परिवार को बचाने के लिए लगातार पूरा लालू परिवार लगा है और रोहिणी आचार्य बड़े बड़े नेताओं पर इस तरह टिप्पणी कर रही है, कहाँ तक उचित है? देखिए ये तो सर्वविदित है कि माननीय लालू जी ने बिहार के खजाने को अपने परिवार के लिए सुरक्षित रखा और अपने परिवार को बनाया, परिवारवाद की उन्होंने राजनीति की, अपनी पत्नी राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी यादव जी को डिप्टी सीएम बनाया, तेज प्रताप को मंत्री बनाए और अभी वर्तमान में
उनकी बेटी जो रोहिणी आचार्य हैं वो सिंगापुर में रहती हैं और उनको बिहार की संस्कृति और यहाँ के जो मतदाता हैं, जो देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं, उनके साथ उनका कोई तालमेल पहचानते नहीं आगे जनता, क्योंकि वो सिंगापुर में रही है और बिहार की संस्कृति हो, बिहार में बाढ़ हो, बिहार में सुखार हो या बिहार में विकास की बात हो, उससे वह पूरी अनभिज्ञ है और परिवारवाद के तहत उनके पिताजी माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, माननीय राबड़ी जी, जो उन्होंने टिकट उनको दिया है, और माननीय रूढ़ी जी हमारे स्थापित नेता हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र में विकास की काम किए हैं, इसलिए रोहिणी आचार्य के साथ कोई तुलना ही नहीं है। आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य जी को इतिहास, भूगोल, नागरिक की जानकारी नहीं है? बिल्कुल नहीं, राजनीतिक ज्ञान नहीं है, वो सिंगापुर में रही है, यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के चुनाव के बारे में, यहाँ के मतदाता बंधु की समस्या के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में उनको पता नहीं है, जो वो बिहार में रहते ही नहीं है। और रूढ़ी जी को अनपढ़ बता रहे हैं? रूढ़ी जी को नहीं, रोहिणी आचार्य को मैं बता रही हूँ, वो बता रही है ना, इससे पता चलता है उसका ज्ञान कितना है। बिल्कुल, देखिए रूढ़ी जी के सामने वो टिक नहीं सकती है, क्योंकि रूढ़ी जी ने जनता का काम किया है, जनता का विश्वास जीता है और वो अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है, इसलिए पूरा आवाम, पूरा लोकसभा की जनता माननीय रूढ़ी जी के साथ है, एनडीए गठबंधन के साथ में है, और ये महागठबंधन जो है चारा और चरित्र घोटाले की जो इनकी पार्टी है, जिन्होंने इंसान का खाना तो खाना, जानवर का चारा भी खाने से बाज नहीं आया, और नौकरी के बदले जमीन और टिकट के बदले किडनी, तो ये चल रहा है उनके परिवार। आपको क्या लगता है कि टिकट के बदले किडनी, रोहिणी से बदले किडनी? लालू जी बिना लिए हुए कुछ नहीं देते हैं, नौकरी के बदले में जमीन लिए और चारा घोटाला क्या किया आपको पता ही है, इसी तरह से अभी टिकट के बदले में किडनी कह रहे हैं, और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य मतदाता के पास जाकर के कह रही है किडनी दिए, किडनी दिए, किडनी किसको दिए? अपने पिता को दिए ना, जनता को क्या दिए? जनता का तो भोजन ले लिए, चारा पशु का आपने भोजन ले लिए, गरीबों का, युवाओं का आपने नौकरी के बदले जमीन ले लिए, तो जनता देख रही है कि जो परिवारवाद की राजनीति किए, बिहार के खजाने को अपने परिवार में लुटाया और बिहार को विनाश की डगर पर ले गया, और आज एनडीए गठबंधन में बिहार विकास की डगर पर है, तो रूढ़ी जी, माननीय रूढ़ी जी काफी भारी बहुमत से जीतने रहे हैं। रोहिणी आचार्य पर जबरदस्त निशाना साधती हुई नजर आई राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, उन्होंने कह दिया कि यहाँ के संस्कृति के बारे में नहीं पता है रोहिणी आचार्य को, अज्ञानी है, उन्हें नहीं पता है कि बिहार की जनता की क्या कुछ समस्याएं हैं। रोहिणी आचार्य से राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कंपेयर करना बेईमानी होगा, राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, रोहिणी आचार्य उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से लालू परिवार को घेरती हुई नजर आ रही थी धर्मशिला गुप्ता, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।